वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और उसके साथ साथ म्यूनसिपल काउंसिल कुल्लू भी हमारा स्वागत करता है। स्वागत करता हूँ मित्रों एक नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुल्लू। और ये भी हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। सो मंडी से मनाली की ओर जाते समय, मनाली इज़ एक्चुअली कम्स इन द डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल एंट्रेंस में हूँ। इस जगह का नाम दरअसल ढालपुर है और यहाँ पर आप टैक्सी स्टैंड देख सकते हैं इस तरफ, और इस तरफ ये कुछ रोड जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ दिन गुजारूंगा, कुछ दिन इन द सेंस नॉट मोर देन 2 or 3 days। तो सोचा कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो अपने खाली समय में क्यों ना यहाँ पर इस खूबसूरत जगह को देखा जाए। तो यहाँ पर भी किसी किस्म का कुछ ग्राउंड है, कुल्लू कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये जो रोड है ये आगे की ओर बढ़ता हुआ, तो बने रहिए मित्रों ब्लॉग में। हालांकि ये जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं ढालपुर से लेकर पूरा मार्केट से होते हुए मैं पूरा बस स्टैंड ये सब कवर करूँगा। और इस तरीके से देखा जाए तो वीडियोस जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन मैं वीडियोस इतनी लंबी नहीं डालूंगा, उसको पार्ट पार्ट करके जो मतलब मेन मेन चीज़ें होंगी दिखाने वाली उस तरीके से ज़्यादा छोटे छोटे हिस्सों में उसको दिखाऊंगा, ताकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखकर बोर ना हो जाए। लेकिन ये किस्म की सीरीज रही, तो बढ़ते हैं आगे। इस तरफ कुछ ये ग्राउंड है कुल्लू के विषय में जितना मुझे जानकारी है, आई विल बी शेयरिंग विद यू। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है, और मनाली जो है वो इसी डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है, एक ग्राउंड है। तो छोटी छोटी रोचक बातें जो हैं वो कुल्लू के विषय में मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। और उसके साथ साथ अगर कोई हमारे हमसे बातचीत करने के लिए राजी हुआ, तो पहली बात जो मुझे याद आ रही है वो ये है कि इस समय तापमान जो है यहाँ पर 13 से 14 degrees Celsius है। महीना है मार्च 2023। यहाँ पर ये ग्राउंड है और सुनने में आता है कि यहाँ पर जिस प्रकार आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, मंडी में जो इंटरनेशनल मेला है वो शिवरात्रि का होता है और यहाँ का दशहरा जो फेस्टिवल है यहाँ पर इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय तौर से मनाया जाता है, बहुत चहल पहल होती है। दैट विल कम इन अक्टूबर आई थिंक। तो ये एक ग्राउंड है, सुना कि इस ग्राउंड पर कुछ मेला वगैरह आयोजित किया जाता है और कुछ लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैठकर धूप वगैरह का आनंद लेते हुए। मेरे इस तरफ शायद ये डिप्यूटी कमिश्नर रेजिडेंस है, कुल्लू डीसी जो है वो शायद उनका जो निवास स्थान है। सामने इस तरफ आप देख सकते हो पहाड़, ये कुल्लू में ही आता है। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम कि इस ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं इस जगह का नाम क्या होगा, मतलब आता कुल्लू में है लेकिन इस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या होगा आई डोंट नो। सामने वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है क्षेत्रीय चिकित्सालय कुल्लू। सो ये रीजनल हॉस्पिटल है कुल्लू का। और सामने की तरफ भी आप ये पहाड़ देख सकते हैं, अगेन आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल दिस माउंटेंस, बट लेट एनी कुल्लूवी पर्सन नो अस इन द कमेंट बॉक्स। उस तरफ भी पहाड़ है, काफ़ी खुशनुमा नज़ारा है। सुबह के समय 10:30-11 का समय है। हालांकि आई वॉन्टेड टू कवर दिस ब्लॉग 2 days before, लेकिन 2 दिन से यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही थी और पहाड़ जो थे वो बिल्कुल ढके हुए थे। हालांकि बारिश रुक भी गई थी, बट स्टिल द फॉग वॉज एग्जिस्टिंग। और मैं सोचा कि उस धुंध की वजह से यदि सब कवर हो गए तो पहाड़ का जो खूबसूरती है, नज़ारा है, वो हम देख नहीं पाएंगे।
तो क्योंकि आज धूप खिलकर आई है, पहाड़ भी हमें बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, और उस तरफ भी ग्राउंड है, एक ग्राउंड जो मेरे दाहिनी ओर है और ये रोड है जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मेरा ये इरादा है कि हम यहाँ की जो मार्केट है वो भी देखें, किस प्रकार की मार्केट यहाँ पर दिखती है, सजाई जाती है, और यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है। बट यू कैन सी यहाँ पर ये जो जगहें बनाई गई हैं, आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं इन बेंचेस पे। सामने की ओर आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बिल्डिंग्स जो हैं उनका निर्माण किया गया है, और सुबह का, क्योंकि सुबह का समय है इसलिए लोग अपने कॉलेज, स्कूल, जॉब वगैरह में की ओर जा रहे हैं। आई फाउंड आउट दिस इज़ द वन ग्राउंड, एक ग्राउंड पीछे थी, एक ग्राउंड ये सामने है, और किसी से पूछते हैं कि दशहरा का मेला होता है वो कौन सी ग्राउंड में होता है और क्या चीज़ कहाँ होती है। बट आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेंडली पर्सन जो हमसे बातचीत कर सके, और यू कैन शेयर विद अस अबाउट दिस ब्यूटीफुल कुल्लू। यहाँ का जो है जो भी सिस्टम, यहाँ पर कुछ सज्जन बैठे हुए हैं, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं कुल्लू का हर एक हिस्सा जो है उसमें से गोइंग नगर मंडी बोली। तो मैं जैसे आपको बोल रहा था कि आई वांट टू कवर ऑल द मेजर थिंग्स ऑफ कुल्लू, मैं बढ़ता हूँ इस तरफ। कुछ लोग अपनी अभी दुकानों की तैयारी में है, सामने की तरफ फिर से वी गॉट दी टैक्सी स्टैंड, और उसके साथ साथ ऑटो स्टैंड, और दिस इज ऑटो रिक्शा पार्किंग ढालपुर। सामने की तरफ अटल सदन, वी हैव गॉट दी इंडियन फ्लैग, उस तरफ भी आप देख सकते हैं ग्राउंड। I would like to move towards this direction. यहाँ पर कुछ अभी भी constructions चल रही हैं, सामने की तरफ कुछ restaurants और electronic showroom है। So we got the State Bank of India, Dalpur branch. उस तरफ मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ देखने काबिल है, बट यू कैन सी पहाड़ फ्रॉम हियर एंड देन। सो मित्रों, बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं दूसरी ओर, और एक्सप्लोर करते हैं हम अपने प्यारे और खूबसूरत कुल्लू। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया पहले, सामने ये फ्लैग है, ये सामने पहाड़, ये पहाड़ आई डोंट नो द नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर्स, और सामने ये ग्राउंड, आई डोंट नो इफ आई शुड गो टूवर्ड्स दैट प्लेस, बट मुझे लगता नहीं कि वैसा कुछ वहाँ पर जाने जैसा है। सो आई एम मूविंग बैक, और हम बड़े हुए आगे जो भी हमें मिलता है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं।